हेलो गाइस, दिस इज आर आर बी एन टी पी सी एंड ग्रुप डी प्रिपरेशन फॉर जनरल साइंस. सो प्लीज शेयर दिस सेशन एंड लाइक इट. आपको मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो जल्दी से ओके बोल देंगे प्लीज. और जो लिंक आपको प्रोवाइड हुआ है उसको मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि और लोग हमारे साथ इस सेशन में जुड़ पाए. इस सेशन के अंदर अभी हमारा जो लास्ट टू क्लासेस हुआ है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट वन एंड पार्ट टू. उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं. आज हम लोग यहां पर एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट थ्री कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा थ्योरी सेशन रह गया था उसके साथ साथ इसमें आपको पूरा एमसीक्यू सेक्शन भी यहां पर मिल रहा है. तो प्लीज ज्वाइन इट एंड मैक्सिमम शेयर इट गाइस. तो सबसे पहले आप इसको शेयर करेंगे तभी और लोग हमारे साथ यहां पे कनेक्ट हो पाएंगे. टू डेज हमारा क्लास नहीं हुआ था सो आज उसी सेशन को आगे बढ़ा रहे. अदरवाइज आज हमारा वैसे नया थ्योरी चैप्टर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. एनिमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग जो अभी तक संघ पढ़ते आ रहे थे या हमने जो अभी फाइलम्स पढ़े थे वो सभी फाइलम्स हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके. अभी हमारा यहां पर कॉर्डेटा जो फाइलम्स है, ठीक है, उस फाइलम को हम यहां पर आगे करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें आज का सेक्शन आप लोगों के साथ. सो गाइज, मेरा डेली जो लाइव क्लास है वो आपको 6 PM पर मिलता है, ठीक है, बट आज मैंने ये 4 PM पर किया है, लेकिन आपको वैसे ये 6 PM. यदि जो भी टाइमिंग चेंज होगी उसको हम लोग मैं आपको पहले से अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगी. हेलो गेमिंग, नमस्ते तेजपाल, गुड इवनिंग. हेलो, जल्दी से सेशन को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करो. जितना ज्यादा शेयर करोगे तभी और लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि 2 दिन मेरा क्लास भी नहीं हो पाया था तो अभी स्टूडेंट्स थोड़ा पता नहीं है कि और मैंने आज क्या किया, उसको 4 PM पर भी कर दिया ना, इसलिए. ठीक है, प्लीज गाइस मैक्सिमम शेयर इट. कैसे हैं तेजपाल आप? चलिए, तो हमारा जो लास्ट सेशन में फाइलम्स हुए थे उसमें हमारा कॉर्डेटा संघ यहां पर रह जाता है, तो उसी कॉर्डेटा संघ को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि कॉर्डेटा संघ के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि कॉर्डेटा के अंतर्गत हमारी जो 5 फाइलम्स है उसको इंक्लूड किया गया है. हेलो सर्वेश, आए, गुड इवनिंग तेजपाल. हेलो, हाँ तेजपाल, अभी तो रेगुलर तो 6 PM रहेगा, बट यदि चेंज होता है तो मैं इन्फॉर्म करती हूँ. ओके, अभी तो 6 PM ही रहने देते हैं, बट आज मैंने उसे 4 PM कर लिया. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉर्डेटा संघ है उसमें जो फाइलम यहां पर हम ले रहे हैं वो है आपका पाइसिस. ठीक है, यानी कि फिशेस वाला आपका मत्स्य वर्ग. ठीक है, तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है, हेलो शिव, हाय, उसमें आता है गिल सेल्स. ठीक है, यानी कि क्लोन दरारों का होना. तो मत्स्य वर्ग की सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचान है उसमें क्या आता है, गिल्स के द्वारा उनका श्वसन होता है. ठीक है, दूसरा, यहाँ के जो जंतु होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यानी लास्ट क्लास में हमने उसको किया था. कुछ इसमें ऐसी फिशेज आती है जैसे टारपीडो हो गई जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ईल हो गई, ईल में 7000 जो बैटरीज है उसका, यानी कि एक बैटरी इसको कनेक्ट करता है, तो इतनी वो क्या कर सकती है, 700 जो वोल्ट है वो विद्युत पैदा कर सकती है. दूसरा, मैंने आपको यहां पर ये भी बता दिया था कि फिशेस जो होती है या फिशेस को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कार्टिलेजनस होती है और बोनी. कार्टिलेज जिसमें मेनली आपको पास्थी मिलती है, और जो बोनी फिशेज होती है वो उनका जो स्केलेटल है या उनका जो अंतः कंकाल होता है वो बोन्स का बना होता है. सो गाइज प्लीज सबसे पहले शेयर एंड लाइक इट. हेलो वर्मा जी, राम राम. असमतापी होते हैं इस संघ के जो जंतु होंगे वो कैसे होंगे, असमतापी होते हैं. ठीक है, गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं,
कुछ यहाँ पर कुछ कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी पाए जाते हैं। इसमें आपका दरियाई घोड़ा हो गया, टारपीडो हो गया, शार्क, स्कॉलियोडॉन है ये, हाँ शार्क पेलियस तेजपाल, बिल्कुल यही इसके अंतर्गत आता है। सेकंड फाइलम हमारा आता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है उभय माने दो, चर माने चलने वाले, यानी कि जल और स्थल, यानी कि लैंड और आपका वॉटर, दोनों पर जो मूव कर सकते हैं उनको हम लोग किसमें रखते हैं, एम्फीबियन के अंतर्गत रखते हैं। जय हिंद कृष्णा। हाय प्लीज गाइस, एक्चुअली दो दिन क्लास नहीं हुआ था तो स्टूडेंट थोड़ा कनेक्ट नहीं है, सो प्लीज शेयर दिस सेशन मैक्सिमम। इनका जो हृदय होता है वो तीन कोष्ठीय होता है, यानी कि थ्री चैम्बर्ड होता है। इसके अंतर्गत मेढक और टोट जैसे जंतु आते हैं। गुड इवनिंग हरीश, हेलो। अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचने के लिए इनमें हाइबरनेशन का एक सिम्टम पाया जाता है, यानी कि ये गर्मियों में क्या करते हैं, जब अपने को छुपा लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। और जब जाड़े के टाइम पर यानी विंटर में ये गायब हो जाते हैं तब हम उन्हें इनका हाइबरनेशन जोन कहते हैं। अब ये जो हाइबरनेशन है और जो एस्टिवेशन है ये दोनों क्यों करते हैं, गर्मी और सर्दी से अपने को बचाने के लिए। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि हाइबरनेशन किसे कहते हैं, तो जाड़े की जो या विंटर्स की जो सुप्त अवस्था होती है एम्फीबियंस की उसे हाइबरनेशन, और गर्मी की जो सुप्त अवस्था होती है उसे एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। आपने बारिश के टाइम पर मैक्सिमम जो मेंढक होते हैं वो आवाज करते हैं टर टर की, है ना, तो उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वोकल सेक्स पाए जाते हैं, यानी कि वाक कोश पाए जाते हैं, इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, आवाज करते हैं, ठीक है। हाँ विंटर में हाइबरनेशन तेजपाल, राइट। इसके अंतर्गत फ्रॉग आ जाएगा, ठीक है। सैलामेंडर इसमें आएगा गाइस, सैलामेंडर को ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में सैलामेंडर पूछा गया है, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द सैलामेंडर गलत करके आते हैं। टोड इसमें आता है, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है न्यूट, ज्यादातर आपको या तो फ्रॉग का ऑप्शन होता ही होता है, टोड है, लेकिन एक सैलामेंडर थोड़ा सा एक्सेप्शनल लगता है, ठीक है, तो सैलामेंडर इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सरीसृप वर्ग, या आप उसे रेप्टिलिया कहते हैं, ठीक है। असमतापी जंतु होते हैं, जल स्थल पर हो मिल जाते हैं, दोनों ही मिलते हैं, लेकिन ये मोस्टली रेंग कर चलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। इनका जो हृदय होता है, ठीक है, इनमें तीन कोष्ठीय कैसे, दो आलिंद होते हैं और एक इसमें होता तो है लेकिन अविकसित निलय होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा है, ठीक है, और टॉर्टोइस इनमें चार कोष्ठीय होता है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इनके अंदर क्या पाई जाती है, जो इनकी सलाइवरी ग्लैंड होती है यानी लार ग्रंथियां होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनकी पॉइजनस जहर की ग्रंथियों में। इसीलिए जो रेप्टिलियाज होते हैं या सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं वो विषैले होते हैं, और अब तक का जो सबसे विषैला भारतीय जो सांप है उसका नाम है कोबरा, ठीक है। ये इसमें कई ऐसे डेंजरस से एनिमल्स आते हैं जिनमें बहुत सारी पॉइजनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा इसमें गोह, आपने एक लोकली नाम सुना होगा, ठीक है, ये काफी शक्तिशाली होती है, दुर्गम दीवारों और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इसके जो नेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं। छिपकलियां सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है, वो भी रेंगने का काम कर लेती है। अजगर आपको पता ही है, ठीक है, दिस इज अ, ये होता तो क्या है, नॉन पॉइजनस होता है लेकिन काफी क्या है, स्ट्रांग है और सबसे विशाल माना जाता है, ठीक है। सांपों में कर्णपट्टे यानी कि जो ईयर होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो इनमें सुनने की क्षमता का हाश होता है, मतलब होता नहीं है। ये शरीर की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें वो वाइब्रेशंस के थ्रू काम करती है, मतलब अब कैसे उनको पता चलता है, तो उनके अंदर क्या होता है, कंपन, ठीक है, वाइब्रेशंस के लिए, ठीक है, ये ध्वनि के आने की दिशा को जान लेते हैं। कोबरा, जब भी जो सबसे पॉइजनस, मैंने अभी आपको बताया कि कोबरा, ये इससे निकलने वाला जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट आपके ब्रेन पर अटैक करते हैं उसे न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं, ठीक है। यूरोमास्टिक, ठीक है, ये जल का संग्रह करता है अपनी आंतों में, ये भी एक तरह का क्या है, स्नेक्स है, ठीक है। हाँ सो रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, टर्टिल इसके अंदर आते हैं, लिजार्ड इसमें आती है, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, ठीक है, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये भी न्यूरोटॉक्सिक आते हैं। इसपर न्यूरो मतलब, न्यूरो किसको बोलते हैं, ब्रेन से संबंधित है ना न्यूरो, तो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। वाटर टाइट स्किन इज मेड अप ऑफ अ स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है वो किससे बनी होती है, स्केल्स, शल्कों से बनी होती है,
ठीक है, जो कैसी होती है, काफी हार्ड होती है, ओवरलैपिंग ओवरलैप करे होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है, लेकिन बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। हेलो तेजस, हाय, गुड इवनिंग। सो ये प्रोटीन की बनी होती है। स्केल्स कैन नॉट एक्सपेंड सो टू ग्रो बिगर अ रेप्टाइल मस्ट मोल्ड। तो जो स्केल्स होते हैं वो चाहे कितना भी क्रॉलिंग कर ले या इसने कितना भी मूव करे, उसके जो स्केल्स का साइज होता है वो एक्सपैंड नहीं होता है। एक बार जो साइज फॉर्म हो गया, इसका मतलब है उसका स्केल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, गंगा डॉल्फिन, लेकिन डॉल्फिन रेप्टिलियाज में नहीं आती ना हरीश। ठीक है गाइस, प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर इट मैक्सिमम। मोस्ट लेज एक ज्यादातर रेप्टाइल्स मेनली आपको क्या करेंगे, अंडे देते हैं, बट सम गिव्स द बर्थ टू लिविंग यंग्स। कुछ ही ऐसे हैं जो लिविंग, जो मेनली आपके यंग वन है उनको देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द आपको क्या बोलेंगे वो, कि एग लेइंग करते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा सांप जिसे आप कोबरा कहते हैं, ठीक है, मेनली वो क्या नहीं बनाता, घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो किंग कोबरा है ये क्या करता है, नेस्ट बनाता है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप कौन सा है, अजगर। सबसे तेज भागने वाला सांप अगर हम कहें तो ये मंबा, ये अफ्रीका का है। ठीक है, इसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हाइड्रोफिश नामक एक समुद्री सर्प होता है जो विश्व का सर्वाधिक विषैला सांप माना जाता है। उसका नाम है हाइड्रोफिश। नाम तो हाइड्रोफिश अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको लगेगा ये कोई फिश है ना, लेकिन वो है क्या, एक समुद्री सर्प है। भारतीय कैरत रेंगने वाला सबसे अधिक विषैला सांप कहलाता है। विश्व की एकमात्र जो जहरीली छिपकली है उसका नाम है हेलोडर्मा। तो हेलोडर्मा कई बार एग्जाम्स में आ गया है कि सबसे पॉइजनस लिजार्ड का नाम क्या है, तो पॉइजनस लिजार्ड है हेलोडर्मा। ठीक है, हेलोडर्मा, प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर इट गाइस। दो दिन क्लास भी नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स थोड़ा कम कनेक्ट है, तो आप उसे मैक्सिमम शेयर करेंगे देन ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट अब आता है हमारा कॉर्डेटा में। हमने सबसे पहले क्या लिया, फिशेस को लिया, पाइसिस। ठीक है, मत्स्य वर्ग। दूसरा हमारा कौन सा है, उभयचर, जो स्थल पर और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, जिसमें मेंढक आते हैं। तीसरा हमने देखा सरीसृप वर्ग। अभी चौथा आता है एप्स। एप्स पे आते हैं उड़ने वाले जंतु, बर्ड्स वगैरह। तो इस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। इनका हृदय चार कोष्ठीय होता है। ठीक है, और इसमें पक्षियों में मेनली क्या होते हैं, टीथ नहीं पाए जाते। ठीक है, इनका जो लंग्स होते हैं स्पेशली, उनमें क्या पाए जाते हैं, वायु कोष्ठक पाए जाते हैं इन्हें, जिन्हें एयर सैक्स कहते हैं। और उभयचर में थे वो क्या थे, वोकल सैक्स। याद रखेंगे, उभयचर में पूछा जाता है कि वोकल सैक्स किस में पाए जाते हैं, तो ये तो उभयचर पे यानी एम्फीबियन में पाए जाते हैं, और एयर सैक्स किस में पाए जाते हैं, बर्ड्स में। ये क्या करते हैं, पक्षियों को उड़ने में उनकी बॉडी को लाइट वेटेड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनके अंदर मेनली जो आगे के पैर होते हैं बर्ड्स के, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये इनका मेन फीचर है। ठीक है, तो इनके जो पंख हैं वो किसमें कन्वर्टेड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं उड़ने के लिए पंख में। अब जब ये उड़ते हैं तो इनके अंदर क्या है कि इनमें एक नेक्टेटिंग झिल्ली पाई जाती है, जो सोते समय इनकी जो आंखें बंद रहती हैं वो ये झिल्ली क्या करती है, उसको पूरी तरह बंद करती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नेक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन है वो किसमें मिलती है, तो ये एप्स का एक अच्छा खासा फीचर है। वेक्टिल पक्षी भारत से बाहर घोंसला बनाते हैं। इसके सभी पक्षी क्या होते हैं, ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस मतलब क्या होते हैं, अंडे देने वाले। इस संघ के अंदर या इस वर्ग के अंदर जो पक्षी वर्ग है उसमें कुछ ऐसे भी जीव आते हैं जो उड़ नहीं पाते, लेकिन वो फिर भी क्या है, एप्स के अंदर रखे गए या बर्ड्स है, जिसमें शुतुरमुर्ग है आपका। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग इसमें आता है, एमू इसमें आता है। ठीक है, हाँ, कौवा है ये इसमें नहीं आएगा, सो शुतुरमुर्ग हो गया और एमू, ये उड़ नहीं पाते हैं। जिसमें कि आपका ऑस्ट्रिच जो होता है उसका अंडा सबसे बड़ा, और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशा किसकी होती है, तो वो भी किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली आपको किसी भी एग्जाम में इस पोर्शन से मिल जाते हैं। ठीक है, अब एप्स की
कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं हम। हरीश, अमीबा का प्रचलन अंग पूछ रहे हैं, तो अमीबा में जो प्रचलन यानी लोकोमोशन होता है वो सीडोपोडिया से होता है, उसे बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है, फॉर अमीबा। हिंदी में आप उसे कूटपात भी कह सकते हैं, ठीक है, इनके द्वारा होता है, क्लियर है। सो एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, फेदर्स, इनमें पंख पाए जाते हैं, फोर चेंबर्ड हार्ट होता है, बोन्स इनकी काफी लाइट वेटेड होती है और हॉलो होती है, हॉलो मींस खोखली होती है, तभी वो क्या कर सकते हैं, इजिली फ्लाइट कर सकते हैं। फोर लिम मतलब इनके जो आगे के पैर होते हैं, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज अ विंग्स, तो विंग्स में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ले कैल्शियम कवर्ड एग्स, ये जब भी अपना एग लेइंग करते हैं तो उनका जो एग होता है वो एक व्हाइट कवरिंग से घिरा होता है, व्हाइट कवरिंग किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। पेल्विस इज फ्यूज्ड टुगेदर, इनमें जो मेखला होती है वो कैसी होती है, फ्यूज्ड हो जाती है, यानी कि बॉडी में फ्यूज रहती है, अलग से मेंशन नहीं होती है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, उड़ने के लिए रूपांतरित हो गई होती है, ठीक है। इसके अंदर कीवी और ईमू मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लाइटलेस बर्ड कहलाती है। हमिंग बर्ड इसी वर्ग के अंतर्गत आती है, जो संसार का सबसे छोटा पक्षी होता है। अलीपुर कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा और क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। दोनों बातें याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा अलीपुर और क्रूजर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जू है। विलुप्त पक्षी डोडो, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं है डोडो, ये मॉरिशस का बर्ड है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन कि डोडो किस कंट्री को बिलोंग करता था, तो जो डोडो बर्ड है वो मॉरिशस का एनिमल है। विश्व का सबसे तीव्रतम, अगर हम कहें कि सबसे जो स्पीड वाला जो पक्षी है उसका नाम है अवावील, ठीक है, अवावील, और सबसे बड़ा जो लिविंग हमारा जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। तो सबसे तेज फास्ट जिसकी फ्लाइट है वो है अवावील, और जो सबसे जीवित यानी कि लिविंग लिविंग जो बर्ड है इस समय सबसे बड़ी वो है आपकी ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पांचवा वर्ग आता है, स्तनधारी वर्ग, जिसे हम लोग मैमेलिया कहते हैं। तो कॉर्डेटा यानी कि जो आपके कशेरुक है उसके अंतर्गत पांच वर्ग हमने पढ़े, पहला मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचर, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी वर्ग, अब पांचवा आता है मैमल्स स्तनधारी। इस संघ के समस्त जंतुओं के जो वर्ग होते हैं वो सब सर्वाधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। अब होते हैं यानी ये तो आपको भी पता होगा, है ना। सो जो मैमेलियन कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा माइंडेड है। ये समतापी होते हैं, ठीक है, सामान्यतः इनके बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, यानी कि हेयर्स का पाया जाना इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इनकी बाकी पूरी बाल होने की वजह से ही इनमें क्या पाई जाती है, पसीने की ग्रंथियां और तेल की ग्रंथियां इसी वाले फाइलम में आपको मिलती है। बाकी फाइलम में आपने देखा कि इस तरह का कोई फीचर नहीं था, ठीक है। देन इस वर्ग के जंतु विषमदंती यानी कि इनके जो टीथ होते हैं वो फोर टाइप्स के टीथ इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे आप इंसिजर, कैनाइंस, ठीक है, मोलर एंड प्री मोलर के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2123 होता है ना, 2123/2123, ठीक है। सो दिस इज अ डेंटल फॉर्मूला, क्लियर। हाँ, क्रूज नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका, राइट, बिल्कुल। इस वर्ग के जंतु की एक प्रमुख विशेषता मिली, चार कोष्ठी है, तो इनका क्या होता है, हार्ट होता है, दो आले दो नीले, टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल, ठीक है। और मेनली इनमें क्या पाया जाता है, भ्रूण को पोषण देने के लिए प्लेसेंटा इसमें पाया जाता है, प्लेसेंटा का होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या पाई जाती है, मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। इनकी लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती है, गोलाकार होती है और उभय अवतल हो सकती है और आप केंद्रित होती है, यानी कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो मैमल्स की जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिर्फ कैमल यानी ऊंट को और लामा को छोड़कर, ये दो एनिमल ऐसे हैं लामा और कैमल, इनकी जो आरबीसी होती है उनमें क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनकी जो आरबीसी होती है उनमें केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसे हम लोग ने पहले भी, उसको मैंने आपको बता दिया था कि हम इसे डिवाइड करते हैं कुछ ग्रुप्स में, ठीक है। जैसे इसमें मोनोट्रीम्स आते हैं, मोनोट्रीम्स किसको कहते हैं, जो अंडे देने वाले स्तनधारी, स्तनधारी है लेकिन वो अंडे देंगे। इसके अंतर्गत क्या आता है, डकबिल्ड प्लैटिपस आता है,
सो दिस इज अ प्लेटिपस, दिस इज अ एकेडिना। उसके बाद इसमें मार्सुपियल्स आते हैं। मार्सुपियल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी में पाउच रखते हैं, जैसे कंगारू। तो कंगारू में क्या है, पाउच होता है, ठीक है, यानी कि अपने बेबीज को रखने के लिए उसमें एक पाउच होगा, ठीक है। एंड निपल्स भी होते हैं उसी पाउच में। शॉर्ट लिव्ड प्लेसेंटा होता है, इसमें कोयला आता है, कंगारू आता है, ओपोसम आता है। तो नाम याद इसलिए रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर जो ऑड ऑप्शन होता है वो दे दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को गाइस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देन प्लेसेंटल, प्लेसेंटल के अंदर ह्यूमन, आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन आता है, यानी जो अपने भ्रूण को या जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसको न्यूट्रिशन देते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो जो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं वो प्लेसेंटल एनिमल कहलाते हैं, और ये भी एक वर्ग है स्तनधारियों से जुड़ा, ठीक है। गाइस सेशन को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करो गाइस। नेक्स्ट, वेल की त्वचा। अब वेल आपको पता है ना कि वेल किस में आती है, मैमल्स है, ठीक है। वेल्स किस में आती है, मैमल्स में है। इसकी त्वचा के नीचे क्या पाई जाती है, वसा की एक मोटी परत पाई जाती है, उसको ब्लवर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ब्लवर किस में पाया जाता है, ठीक है। इसके जो दांत होते हैं वो समरूपी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद यदि कोई सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है तो वो डॉल्फिन है, ठीक है। घोड़ा, गधा, जेब्रा, गेंडा, ये सब इन वो एनिमल है जिनके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता। क्या नहीं होता, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय नहीं पाया जाता। ये फीचर्स मैं आपको जो यहां पर जो लाइंस में बता रही हूं उन पर क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं को यहां पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखना है। ऊंट होता है, कैमल्स में आपने देखा ऊपर की तरफ एक कूबर निकला होता है, काफी ऊंचा सा पार्ट होता है उसकी स्किन का। वो क्यों ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फैट का संचय होता है। जो फैट है वो अपने में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्यों, क्योंकि बहुत टाइम तक वो ना तो पानी लेता है ना खाता है, सारा जो फैट है ना वो उसको एनर्जी देता रहता है। हाथी के ऊपर मेनली जो उसके हाथी के जो मेनली आपको क्या दिखाई देते हैं, बाहर के जो दांत दिखाई देते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं, ठीक है, जिसे टास्क के नाम से कहा जाता है। टास्क जो हाथी के दिखाने वाले जो दांत होते हैं, वो पूछा एग्जाम्स में कि वो कौन से दांत है। हम लोगों के चार ही दांत होते हैं ना, मतलब चार इन द सेंस चार टाइप के होते हैं, ठीक है। इंसीजर, इंसीजर मेनली कृंतक। तो जो कृंतक हाथी के होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उन्हीं को टास्क कहते हैं, ठीक है। हाथी में रत्नक और अग्रचवर्णक, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ मार्सुपियल, मैंने आपको अभी बताया था मार्सुपियल जिनमें पाउच होता है, ठीक है। मोनोट्रम्स जो एग ले करते हैं, जैसे डकबिल्ड प्लेटिपस और एकेडिना। आपको यहां पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कैसा मिलेगा, एनिमल्स पर मिलेगा। एनिमल्स से मतलब है उसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। गाइस डेली जो आपको क्लास मिलेगा वो 6 PM ही मिलेगा यहां पर, ठीक है। चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक है। इसमें जो तरंग आवृत्ति होती है वो अल्ट्रासोनिक, यानी कि 20,000 से अधिक आवृत्ति को भी ये सुन सकती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, इसे अल्ट्रासोनिक एनिमल भी कहते हैं, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो साउंड है उसको भी सुन लेती है, ठीक है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये अंडे नहीं देता, ये है तो क्या, बेबी बर्थ करता है। डोडो अभी कुछ समय ही विलुप्त हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि मॉरिशस का बर्ड था जो कि विलुप्त हुआ है। इस वर्ग के जंतुओं में आपको स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथियां और ऑयल ग्लैंड मिलेंगी। बाकी किसी फाइलम के अंतर्गत आपको अभी तक ऑयल ग्लैंड और जो पसीने की ग्रंथियां हैं वो नहीं मिलती। और ह्यूमन में भी, हम लोगों में स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे हाथ की हथेली में सबसे ज्यादा पसीने की ग्रंथियां होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारी स्वेट ग्लैंड है वो कहां है, हमारे हथेली में। क्लियर, चलिए। तो आई थिंक आपको यहां पर इतनी बातें समझ में आ गई। अभी हमने पूरा जो एनिमल क्लासिफिकेशन था उसमें जितने भी संघ थे, किसी को इतने पोर्शन में कोई डाउट है तो बताएंगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको इसका एक प्रैक्टिस सेशन दे रही हूं, ठीक है, तब हम लोग उसको करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो एमसीक्यू सेक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसका एक रिमाइंडर या किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपको एग्जाम्स में मिले हैं, ठीक है, उसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर वन. सो रेडी फॉर द एमसीक्यू सेक्शन गाइस. मैक्सिमम शेयर करो जल्दी से सेशन को. ओके हाँ सर्वेश सही गया. अभी दो दिन हाँ क्लास नहीं हो रहा हरीश. अभी डेली क्लास अभी 6 PM ही है. यदि मैं टाइमिंग कोई भी चेंज करती हूँ तो आपको पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बताऊंगी. आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए. मेरा टेलीग्राम ग्रुप है EVS by निभा जादौन. सो EVS by निभा जादौन के नाम से आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा. आप यहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर वन बात करते हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर. जो गर्म खून वाले जीव होते हैं वो अपने शरीर के तापमान को कैसे रखते हैं. लोअर देन एनवायरमेंट यानी कि हम लोग उनको क्या बोलेंगे मतलब निम्न दाब वाले, या फिर हायर देन एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है हमेशा, या इक्वल टू द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर. तो वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना शरीर के तापमान को लोअर हायर देन द एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट रखते हैं या इक्वल रखते हैं. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे गाइस. हरीश डी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. वायुमंडलीय तापमान के बराबर होता है उसे हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इक्वल टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के जो इक्वल रहता है उसे, यानी कि जिस जैसा टेम्परेचर हो हमारी बॉडी अगर उसे अपने उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो वार्म ब्लडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल फिश इज द कॉमन नेम. जो डेविल फिश है वो किसका एक लोकल नाम है, सीपिया लोलिगो ऑक्टोपस या टैरिडो. आपसे पूछा है जो डेविल फिश है वो इनमें से किसका नाम है. तेजपाल फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं तेजपाल जी आप लगता है. या ओके यहां पर जो राइट आंसर है डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को. ठीक है तो डेविल फिश क्या है, ऑक्टोपस. याद रखना बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि डेविल फिश निम्नलिखित में से किसे कहते हैं. तो डेविल फिश कौन है, ऑक्टोपस को कहा जाता है. और ऑक्टोपस किस संघ का, नो सीपिया नहीं तेजपाल ऑक्टोपस. यस हरीश आपका आंसर बिल्कुल सही था कि किसको कहा जाता है, ऑक्टोपस को कहा जाता है. और ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है. नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश. आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक फिश का टाइप नहीं है या फिश नहीं है. फिश का टाइप नहीं है इनमें से कौन, स्टार फिश सॉ फिश पाइप फिश या गिटार फिश. इनमें से कौन एक फिश का टाइप नहीं है. स्टार फिश तेजपाल सर्वेश ए के साथ जा रहे हैं. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश. स्टार फिश कोई मछली नहीं है. दिस इज अ इकाइनोडर्मेटा. ये इकाइनोडर्म है, इकाइनोडर्म इकाइनोडर्मेटा संघ को बिलोंग करती है. फिशेस का जो वर्ग है उसको बिलोंग नहीं करती है. ठीक है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप. आपको बताना है मनुष्य के जैसा सबसे छोटा बंदर का जो टाइप है वो कौन सा है. कुनाल स्टारफिश एब्सोल्युटली राइट. चलिए आप जल्दी से बताएंगे मनुष्य के जैसा लेकिन सबसे छोटा जो एप है वो क्या है, गिब्बन चिंपांजी गोरिल्ला या ओरंगउटान. रोहिताश
समझ में आ जाएगा आराम से। यस बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गिब्बन। लंगूर सबसे छोटा एप है, ठीक है, मनुष्य के जैसा लेकिन सबसे छोटा। चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंग उटान में अगर सबसे छोटा कोई है तो वो है गिब्बन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नील गाय, आपको बताना है नील गाय इनमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। गाय बकरी है, वो कोई भेड़ है या कोई हिरन का टाइप है। नील गाय बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। नील गाय किसको बिलोंग करती है, आपसे पूछ रहे हैं, वो काउ का वर्ग है, वो कोई बकरी का वर्ग है, वो कोई शीप का है। डियर सर्वेश का आंसर आया है, बिल्कुल सही है राइट आंसर, वो डियर। कुणाल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, वो हिरन का टाइप होती है, होती बहुत बड़ी है लेकिन वो टाइप होता है हिरन का। यस कृष्णा बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ठीक है। सो किसका टाइप होता है, डियर का टाइप ऑफ डियर, दिस इज अ नील गाय, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस निम्नलिखित में से क्या है। ऑक्टोपस एक आर्थ्रोपोड है, एक इकाइनोडर्म है, कोई हेमिकॉर्डेट है या कोई मॉलस्क है। ऑक्टोपस निम्नलिखित में से क्या है, कोई आर्थ्रोपोड है, कोई इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है, हेमिकॉर्डेट है या मॉलस्कन है। कृष्णा बी के साथ ऑक्टोपस समझो बेटा। कुणाल डी के साथ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आंसर है, मोलस्का संघ का जंतु। अभी मैंने एक क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने आपको वही बता दिया था कि इसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है और ये एक मोलस्कन है। यस ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी मोलस्का। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, सबसे बड़ा अकशेरुक कौन सा है। जय हिंद दीपक, हेलो। सबसे बड़ा अकशेरुक, अकशेरुक मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी विकसित रूप से नहीं पाई जाती। ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, तेजपाल, स्क्विड, बाकी कोई आंसर करो जल्दी जल्दी। सर्वेश सी के साथ कोरल मूंगा। ओके कृष्णा आंसर करो, कुणाल आंसर कीजिए। बी एब्सोल्युटली राइट, स्क्विड। जो स्क्विड होता है वो सबसे बड़ा क्या है, अकशेरुक है। लेट्स सी, दिस इज अ स्क्विड, ये क्या है, स्क्विड है, यही होता है सबसे बड़ा अकशेरुक। अगर आपसे कहे कि सबसे बड़ा अकशेरुक इनमें से कौन है तो स्क्विड है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आप देखो कि एक मतलब समुद्री कोस्ट पर जो स्क्वाड मिला था ये सबसे बड़ा स्क्वाड था, ठीक है, मतलब काफी लार्जेस्ट एक मतलब अकशेरुक है ये, सबसे बड़ा स्क्वाड कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित जीवों में से कौन अन्य तीन वर्गों से संबंधित नहीं है। हाँ खतरनाक है। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। इनमें से कौन इन तीनों से थोड़ा अलग है, क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन या स्पाइडर। स्क्विड ये मोलस्का ही संघ का जंतु है तेजपाल, लेकिन इस तरह का ही होता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। इनमें से कौन बाकी तीन से थोड़ा अलग है, क्रैब, केकड़ा, माइट्स, घुन, बिच्छू या मकड़ी। दीपक ए क्रैब राइट, जो क्रैब होता है ये इनसे अलग है। जो झींगा होता है, ठीक है, सॉरी जो केकड़ा होता है वो है तो आर्थ्रोपोड में आता है लेकिन इसका जो वर्ग है वो डिफरेंट होता है बाकी तीन से, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेग हॉर्न किसकी वैरायटी है, व्हाइट लेग हॉर्न, सफेद एक लेग हॉर्न करके वैरायटी होती है, ये तोते की वैरायटी है, मोर की वैरायटी है, मुर्गे की वैरायटी है या उल्लू की वैरायटी है। कुणाल बी के साथ जाए आप,
करो जल्दी जल्दी, व्हाइट लेग हॉर्न किसकी वैरायटी है? नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत तो। दीपक, सी के साथ मुर्गे की वैरायटी है लेग हॉर्न। एब्सोल्युटली राइट सर्वेश, बिल्कुल सही है। तेजपाल बिल्कुल सही। दीपक राइट आंसर है, ये मुर्गे की वैरायटी होती है, है ना? सो जो लेग हॉर्न होता है ये एक मुर्गा की वैरायटी है। कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरह का ही होता है। मतलब ये है किसकी? ये व्हाइट लेग हॉर्न होता है, प्योर व्हाइट भी नहीं होता बट इसको बोलते हैं। तो ये एक मुर्गे की वैरायटी है। फॉल, टीक और माइट्स है क्या? टीक और माइट्स आर्किनिड्स है, क्रस्टेशियन है, इंसेक्ट्स है या मैरिपीट्स है? हाँ सर्वेश, इसी से समझा जा सकता है। आपसे पूछ रहे हैं टीक और माइट। देखो गाइस, ये पूरा आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग हैं, आर्किनिड, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट और मैरिपोड्स। इनमें टीक और माइट जो होते हैं वो इनमें से किस वर्ग में रखे जाते हैं? बिल्कुल सही है, इंसेक्ट में। इंसेक्ट ये कीट में आते हैं। आर्किनिड्स में ज्यादातर आपको मकड़ियां मिलेंगी। याद रखना, जब भी स्पाइडर की बात होगी ना तो वो आर्किनिड्स के अंदर आती है स्पाइडर्स। क्रस्टेशियंस के अंदर आपको क्रैब, झींगा मिल जाएंगे, ठीक है? इसके अंदर आपको जो जैसे कांतर टाइप के, इस तरह के कांटे वाले, जैसे इस तरह के जंतु आपको इसमें मिल जाएंगे। इंसेक्ट के अंतर्गत आती है टीक्स और बाइट्स, इस तरह के। ये होता है टीक्स। ज्यादातर आपने जो पेट एनिमल्स होते हैं या घर में जो डॉग्स वगैरह जब हम लोग पालते हैं, ठीक है, तो पेट एनिमल्स की स्किन पर ये बहुत जल्दी क्या करते हैं? खून चूसने का काम करते हैं। ये आपने देखा होगा, माइट्स, हार्वेस्ट माइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जीव विज्ञान की वे शाखा जो विलुप्त जीवों से संबंधित है, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जो विलुप्त जीवों से संबंधित है विज्ञान की, उस शाखा को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी, फाइलोजिनी, पैलेंटोलॉजी या पैलियोबॉटनी? जल्दी से आंसर करेंगे। जीव विज्ञान की वो शाखा जो विलुप्त जीवों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर इट गाइस मैक्सिमम। मेरी डेली क्लास टाइमिंग अभी फिलहाल 6 PM डेली रहेगी। आज जरूर मैंने 4 PM क्लास किया है बट मेरा डेली टाइमिंग है 6 PM का, तो कृपया करके मुझे डेली 6 PM पर आप ज्वाइन कीजिएगा। सी कुणाल, सी के साथ पैलियोपैलेंटोलॉजी। एब्सोल्युटली राइट कुणाल, पैलेंटोलॉजी कहते हैं गाइस। जो विज्ञान की वो शाखा जो विलुप्त जीवों से संबंधित होती है उसे पैलेंटोलॉजी करके कहते हैं, ठीक है, विलुप्त विज्ञान कहते हैं। यहां पर कुछ ऑप्शन उसे क्लियर कर देती हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है पैलिनोलॉजी। सो गाइस, जो पैलिनोलॉजी होती है ये पॉलन की स्टडी होती है। पॉलन्स क्या होते हैं? पराग कण। जो पराग कण होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। पराग कणों की स्टडी को हम लोग पैलिनोलॉजी कह सकते हैं। या डस्ट की स्टडी होती है ना, डस्ट, वो कण जो हवा में उड़ते हैं उनकी स्टडी को पैलिनोलॉजी कहते हैं। फाइलोजिनी क्या होता है? हमारा जो विकास है यानी ह्यूमन का विकास पहले के संघों के और जंतुओं से हुआ है, इस चीज को एक हम इवोल्यूशन के फॉर्म में देखें, पूरे विकास को अगर हम देखें तो उसकी स्टडी को हम लोग फाइलोजिनी कहते हैं। यानी कि प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक का जो ड्यूरेशन है या जो इवेंट्स आए हैं उन सबकी स्टडी फाइलोजिनी में करते हैं। पैलेंटो मैंने आपको बताया दिया। पैलियोबॉटनी में जो पौधों से संबंधित जो पूर्व थे, पैलियो मतलब प्राचीन वाले थे, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एनिमल लिविंग ऑन द ट्री ट्रंक आर नोन एज। वो एनिमल जो पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो पेड़ों की टहनियों पर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वृक्ष संबंधी अर्बोरियल कहते हैं, वॉलेंट कहते हैं उड़ने वाले, एम्फीबियस कहते हैं उभयचर या जलीय बोलते हैं एक्वाटिक। एनिमल लिविंग ऑन द ट्री ट्रंक जो पेड़ों की टहनियों पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी ऑप्शन से समझ आ जाएगा बट एग्जाम में कभी भी हिंदी ऑप्शन नहीं होता है, अर्बोरियल वर्ड को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। तो आपको यहां पर इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अर्बोरियल एनिमल
वो होते हैं जो पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। पेड़ों की शाखाओं पर मतलब कि जैसे आप कह सकते हो जैसे लंगूर हुए, बंदर हुए, ये शाखाओं पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कोयला, बिल्कुल सही दीपक, कोयला जो होता है ये बिल्कुल अर्बोरियल, एब्सोल्युटली राइट। प्रॉन बिलोंग टू द फाइलम, आपको बताना है जो झींगे होते हैं वो किस संघ को बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ, डिडेरिया, इकाइनोडर्मेटा या कॉर्डेटा। जो प्रॉन होते हैं, प्रॉन मतलब होते हैं झींगे, झींगे किस संघ को बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ को, निडेरिया को, इकाइनोडर्मेटा को या फिर कॉर्डेटा संघ को बिलोंग करते हैं, किसको? जल्दी से आंसर करेंगे। जो झींगे, झींगा बोलते हैं ना, झींगा। दीपक ए के साथ, तेजपाल ए के साथ, एब्सोल्युटली राइट। आर्थ्रोपोडा संघ को बिलोंग करते हैं प्रॉन। ऐसा होता है प्रॉन, ये देखने में मछली जैसा लगेगा बट है नहीं, ये कैसा है, ये झींगा होता है और ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। केंचुओं के पास कितने जोड़े हृदय होता है, केंचुए का हृदय कितना पेयर का होता है, वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर या फोर पेयर। अर्थवर्म पजेसेस द हार्ट, अर्थवर्म का जो हार्ट होता है वो कितने जोड़ा होता है। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। कुणाल, वन पेयर बोल रहे हो आप या पहले वाले का आंसर दिए हैं? दीपक जल्दी आंसर करो। रोहिताश ए, ए वन पेयर होता है, एक जोड़ा। केंचुओं के पास हृदय की संख्या कितनी होती है? तेजपाल ए के साथ, यस। बाकी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। वन पेयर, वन पेयर मतलब दो हार्ट होते हैं, मतलब आपका कहने का मतलब हुआ कि जो केंचुआ है उस पर कितने हार्ट है, दो। मुझे तो लगता है कि नहीं होते, कई बार इसको मैंने एग्जाम्स के लिए आपको बताया भी है, जो पहले मेरी प्लस क्लास ज्वाइन किए थे उनको पता होगा। अर्थवर्म पजेसेस हाउ मेनी हार्ट्स, कि उसमें आठ, लेकिन जॉइंट होते हैं उसमें फोर पेयर पाया जाता है, उसमें आठ होते हैं। कितने होते हैं? आठ। तो याद रखेंगे अर्थवर्म के अंदर कितने आर्ट्स होते हैं? आठ होते हैं, लेकिन वो जॉइंट होते हैं, नॉट थ्री पेयर। विवेक, दीपक, थ्री पेयर तो सिक्स ही हो जाएगा, फोर पेयर आठ होते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज लाइक एंड शेयर। हेलो विवेक, पक्षियों का स्वर यंत्र क्या कहलाता है? आपको बताना है साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का साउंड बॉक्स क्या कहलाता है, लारिंग्स, शीरिंग्स, सेंस्क्रम या फैगोस्टाइल। पक्षियों का जो स्वर यंत्र होता है ना, साउंड बॉक्स, पक्षियों का वो गाना गाते हैं ना, तो उनके साउंड बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स, शेरिंग्स, सेंस्क्रम या फैगोस्टाइल। लैरिंग्स, किसने बोला लैरिंग्स? तेजपाल आपने, सर्वेश आपने, संस्क्रम बिल्कुल नहीं होता। एक बात बताओ, अगर लैरिंग्स पक्षियों में होगा तो हम लोगों में क्या होगा, आप किससे बोलोगे, हमारे स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं? गाइस, ह्यूमन का स्वर यंत्र लैरिंग्स कहलाता है और पक्षियों का शिरिंक्स कहलाता है। कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में आप। जो लैरिंग्स होता है ये ह्यूमन में पाया जाता है, हम लोग जो बोलते हैं, और जो शेरिंग्स होता है ये बर्ड्स में पाया जाता है। भूल गए? अरे अरे दीपक, तुम्हारा, तुम्हें क्या हो गया दीपक?
ऐसे नहीं हो सकता, सिरिंग्स। तो सिरिंग्स याद रखो गाइस, साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड द सिरिंग्स एंड साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड द लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, इनमें से किस वर्ग में जानवरों की संख्या या एनिमल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में या मैमल्स में। विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, किस वर्ग में सबसे ज्यादा एनिमल मिलेंगे, फिशेस में, रेप्टाइल वर्ग में, इंसेक्ट में या मैमल। जो फाइलम सबसे बड़ा होगा बेटा उसी में तो मिलेगा, तो जल्दी से सेशन को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करते रहो। इस क्लास के बाद भी आप वीडियो को मैक्सिमम अगर शेयर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ और लोग जुड़ जाएंगे। हाँ रोहित, तभी रोहित, लेकिन आप आईडी दीपक का है ना, इसलिए मैं दीपक बोली। ओके रोहित, कोई बात नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा होता है, इंसेक्ट का होता है, जिसे आप आर्थ्रोपोडा संघ कहते हैं। तो जो आर्थ्रोपोडा है वो सबसे ज्यादा एनिमल तो उसी में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सैलामेंडर बिलोंग टू विच क्लास, आपको बताना है सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है, पाइसिस यानी मत्स्य, एप्स उड़ने वाले, रेप्टाइल सरीसृप या एम्फीबियन उभयचर। सैलामेंडर किस वर्ग में रखा गया है, तेजपाल, रेप्टाइल में। ओके अच्छा चलिए जल्दी से सेशन को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करते रहिए। जल्द बताओ सैलामेंडर किस वर्ग में आता है भाई, डी बिल्कुल सही कहा, एम्फीबियन में आता है, उभयचर में आता है सैलामेंडर। मैंने अभी आपको एक पहले क्वेश्चन में ही जब मैं उभयचर वर्ग पढ़ा रही थी मैंने वहीं पर आपको एक पिक्चर बताया था और बोला था सैलामेंडर लोग गलत कर देते हैं ज्यादातर। रेप्टाइल देखने में छिपकली की तरह लगता है लेकिन होता वो उभयचर है। लेट्स सी, इस तरह का होता है सैलामेंडर, देखने में बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, लेकिन छिपकली की तरह लगता है लेकिन होता है वो एम्फीबियन, ये एक उभयचर है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, दिस इज अ एम्फीबियन। एम्फीबियन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिप्लेनेटा बिलोंग टू विच फाइलम, पेरिप्लेनेटा किस वर्ग को या किस संघ को से संबंधित है, पेरिप्लेनेटा मोलस्का संघ से, आर्थ्रोपोडा संघ से, एनीलिडा से या इकाइनोडर्मेटा से। पेरिप्लेनेटा ये जूलॉजिकल नेम है, जीव वैज्ञानिक नाम है, आपको यह बताना चाहिए। पेरिप्लेनेटा किसको बोलते हैं, मोलस्का का जंतु है क्या, जल्दी आंसर करो गाइस। जो पेरिप्लेनेटा होता है वो दीपक सी के साथ एनीलिडा है, नो, पेरिप्लेनेटा ऑप्शन नंबर बी को बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा। आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना ही कॉकरोच है, कॉकरोच। तो कॉकरोच किसको बिलोंग करेगा, तो कॉकरोच तो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, वो एनीलिडा को, तो वो केचुआ नहीं है जो इसको करेगा, तो पेरिप्लेनेटा किसका नाम है, कॉकरोच का नाम है इसलिए। नेक्स्ट, बुकलंग्स किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आपको बताना है जो बुकलंग्स होते हैं वो किसका श्वसन अंग होता है, इंसेक्ट्स का, क्रस्टेशियंस का, आर्कनेट्स का या पेरिपेटस का। बुकलंग्स किसका श्वसन अंग होता है, इंसेक्ट्स का, क्रस्टेशियन का, एरिकनेट्स का
या पेरिपेटस का? चलिए गाइस जल्दी से आंसर करेंगे, बुकलंग्स। तो मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि जो बुकलंग्स होते हैं वो इंसेक्ट का फीचर होता है। ये किसका होता है? इंसेक्ट के अंतर्गत आता है। यस दीपक, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्ट्स। लेट्स सी, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर देखो स्पाइडर है, ठीक है, इंसेक्ट्स कैटेगरी में आता है बुकलंग्स, ठीक है। यहां पर आपको जो फोल है इनके अंदर लंग्स होता है, फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है, कैटरपिलर्स जो होते हैं ठीक है उनमें स्पाइरेकल्स होता है, स्पंजिस किससे करते हैं? ऑस्टिया ऑस्कुलम से करते हैं, आउटफ्लो और इनफ्लो के लिए इनमें ऑस्टिया और ऑस्कुलम पाए जाते हैं। सबका श्वसन अंग आपको याद होना चाहिए। तो स्पाइडर्स, मकड़ी वगैरह इंसेक्ट्स वर्ग में आती है, आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, तो बुकलंग्स आपको इसमें मिलेगा। चिकन्स जो होते हैं उसके उसमें लंग्स होगा, फिश में गिल्स होते हैं, कैटरपिलर में स्पाइरेकल्स होते हैं और स्पंजिस में ऑस्टिया और ऑस्कुलम होते हैं, ठीक है। हाँ सर्वेश, कीड़े का होता है लेकिन यहां पर जो स्पाइडर है वो आर्थ्रोपोडा संघ में ही तो आएगा, लेकिन उसका वर्ग अलग होता है ना, तो इसलिए हम यहां पर स्पाइडर, एक मिनट, स्पाइडर के लिए एक अलग दिया है। ओके सो गाइस, इसमें स्पाइडर के लिए हमें एरेक्निड्स दिया था, तो हम यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ रखेंगे, ए नहीं ले सकते क्योंकि हमें मकड़ियों का वर्ग अलग से दिया है। तो बुकलंग्स आर्किनिड्स के अंदर मकड़ी आती है, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आएगा, नॉट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में तो कॉकरोच भी आ जाएगा, लेकिन एरेक्निड जब ऑप्शन में होगा तो आप मकड़ियों के साथ जाएंगे, और जो बुकलंग्स होते हैं वो स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ियां होती है, इसके अंतर्गत आता है। अब ठीक है, ये रोहिताश अभी ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी आर्किड्स, ठीक है, जो आर्किनिड्स होती है मकड़िया, उनका श्वसन अंग पाया जाता है उनमें बुक लंग्स, ठीक है। सो क्लियर है, आपके क्वेश्चन समझ में आए, एनिमल क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने इसको थ्री पार्ट्स में कैरी किया, तीन पार्ट्स में भी हमारा मतलब टू एंड हाफ पार्ट थ्योरी का रहा था, और उसके बाद बाकी मैंने आपको एमसीक्यू सेक्शन कराया है। एक दिन का और प्रैक्टिस सेशन आपको इसका एमसीक्यू से रिलेटेड कराऊंगी। अभी तक मैंने जो तीन चैप्टर पढ़ाए हैं, यानी कि मैंने आपको एनिमल्स मेनली आपका क्या पढ़ा दिया था, सेल चैप्टर कंप्लीट करा था, ठीक है, ह्यूमन डिसीज कंप्लीट करा है, और तीसरा एनिमल क्लासिफिकेशन। इन तीनों चैप्टर का मिक्स एमसीक्यू सेक्शन करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। सो प्लीज गाइस, क्लास को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, मेरा सेम टाइम है 6 PM, तो अभी हम लोग यहाँ पर 6 PM मिलेंगे डेली, ओके। सो क्लास के बाद मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, टेक केयर गाइस। आज की क्लास मैंने थोड़ी ज्यादा आपको इसलिए दी क्योंकि दो दिन मेरा क्लास नहीं हो पाया था, तो आज की क्लास को मैंने आपको थोड़ा लंबा दे दिया, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, गुड बाय।